हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, हाउ डज द एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप, हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन। तो बेसिकली हमने ये क्लास में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया हुआ, फिर भी क्वेश्चन है तो डिस्कस तो करना ही होगा। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, हमने पढ़ा था कि जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता रहता है, साइज कम होता रहता है, या हम कहें रेडियस डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे तो चीज़ें पास पास आएंगी, पास पास आएंगी तो रेडियस क्या हो गया, साइज क्या हो गया, कम हो गया। या ये कह लो कि भाई शेल तो सेम है, शेल तो सेम रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं उसके अंदर एक एक करके, जिसके कारण अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ जाएंगी तो चीज़ें पास पास आ जाएंगी एंड साइज विल डिक्रीज। वेयर एज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो हमें पता है कि भाई शेल्स ही बढ़ते रहते हैं। पहले एक शेल था, फिर दो शेल हो गए, फिर तीन शेल हो गए, तो देखो ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है साइज तो बड़ा हो गई क्योंकि शेल बढ़ते जा रहे हैं, क्लियर। एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती जा रही हैं, तो बोथ दीज रीजंस कंट्रीब्यूट टू द फैक्ट दैट टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो साइज बढ़ता है। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।